अच्छा, इसका आइडिया आया कहाँ से कि हम इस जो करोड़पति बना जा सके जिस खेती से, वही खेती का हम उपयोग मतलब शुरुआत कर दें? देखिए हमारे इंडियन रुपीज में कितना हो जाएगा वो? ये अप्रोक्स 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़? जी, 5 करोड़ में 1 केजी मोती मिलेगा? हाँ, ये मोती था जीव, ठीक है, खोला था, मतलब ये जिंदा है? हाँ, ये जीव देखिए, पानी आ रहा है ना, पानी निकल रहा है, बुलबुला निकल रहा है, ये जिंदा जीव। अच्छा, देखिए पानी निकल रहा है ना। हाँ हाँ। ये जिंदा जीव। अभी दिखाएंगे कि जो छोटे से पोखर में, गंदे पोखर में जो मोती का खेती किया जाता है वो किस प्रकार खेती किया जाता है और किस टाइप का होता है। हम लोग कहते हैं कि इफ यू नॉट बिकम एन इंजीनियर देन यू फॉर्म अ फैक्ट्री ऑफ इंजीनियर। मायने ये नहीं रखता कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो जिंदगी में आप सफल नहीं हुए। देखिए इसका इंटरनेशनल मार्केट में नोटिस किया गया है कि $6 लाख प्रति केजी बिकता है ये। $6 लाख प्रति केजी? प्रति केजी बिकता है इंटरनेशनल मार्केट का यही। ये जो मोती आपके हाथों में 3 मोती दिख रहा है, ये तीनों मोती का दाम अभी क्या होगा? देखिए इसको तो हम अभी बेचना पसंद नहीं। एक छोटा सा पोखर है जो बहुत ही गंदा पोखर है और इसी पोखर में से करोड़ों का माल निकलता है। अब विश्वास नहीं करेंगे, आपको विश्वास दिलाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटा सा पोखर दिख रहा है ना, इसमें ऐसा कौन सा चीज है जिससे करोड़ों का माल इससे निकलेगा, क्या है, तो थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए हम बातें करते हैं और आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि आखिर कौन सा चीज इस पोखर में है, इस गंदे पानी में है, जो जिसका दाम करोड़ों में है। आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी फूल खिलती है ना, कमल का फूल, तो वो कीचड़ से ही खिलती है, तो कीचड़ से ही करोड़पति कैसे बना जा सकता है? तो आज हम जानेंगे भाई साहब से। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रभात मिश्रा हुआ। प्रभात मिश्रा जी, ये बताइए कि ये जो छोटा सा पोखर है वो भी गंदा पोखर, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्रोताओं को कहा कि इसमें से करोड़ों का माल निकलेगा कुछ दिन में, सही कहा या फिर गलत? देखिए अभी तो हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट किए हैं इसमें, और जो लोग अगर करेंगे इतना में ही तो करोड़ों कमा ही सकते हैं। करोड़ों कमा सकते हैं? जी, ऐसा चीज है जो कमा सकते हैं। अच्छा, इसको खेती बोलेंगे या फिर बिजनेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिजनेस सर, खेती है। बिजनेस और खेती? हाँ, मतलब दोनों मान सकते हैं? मान सकते हैं दोनों। अच्छा। खेती हुआ, देखिए खेती भी तो एक तरीके से बिजनेस ही हुआ, तो कृषि प्रधान देश है तो इसको खेती ही कहेंगे। अच्छा। इससे फिर जो पैसा कमाया तो समझेंगे बिजनेस कर लिए उतना दिन बैठ के। अच्छा, इसमें ऐसा है क्या जो छोटा सा पोखर में आप करोड़ों का सामान इसे निकाल देंगे? देखिए इसमें वो चीज है जो आप भी देख के अचंभित हो जाएंगे। मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये एक मोती है। अच्छा, ये मोती है? हाँ, ये मोती है। और ये कौन सा मोती? ओरिजिनल मोती है जो हम लोग पहनते हैं। अच्छा, अंगूठी वगैरह में जो पहनते हैं? अंगूठी में पहनते हैं, और हम लोग जो आभूषण के रूप में महिला लोग जो यूज करती है वही ये ओरिजिनल है। इसका दाम तो करोड़ों में लाखों में रहता है। देखिए वो बेचने वाला पे निर्भर होता है और खरीदने वाला पे निर्भर होता है, और ये समुद्र से निकलता है, समुद्री जीव से ये प्राप्त होता है, तो ये ओरिजिनल चीज है, तो ओरिजिनल चीज की तो कीमत ज्यादा होती ही है, और इसको हम अपने क्षेत्र में ला करके यहाँ पे कर रहे हैं इसकी खेती, तो इससे जो निकलेगा तो इसका कीमत तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो हम ला रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हैं, और लोग समुद्र में जो करते हैं वहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट का करते, तो वहाँ प्राप्त मतलब उस जीव को पकड़ने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए वहाँ कीमत ज्यादा रहता है, यहाँ मेहनत करते हैं तो इसलिए यहाँ मतलब इसका कीमत। समुद्र में जो मोती बनता है, जो समुद्र से निकलता है, वो आप मतलब खेती में करने लगे हैं? जी, वही जीव यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारा बनावटी मोती देखा होगा जो गले में लोग पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, और भाई साहब हाथ में भी पहने हैं, ये देख सकते हैं, ये मोती है। ये कौन सा मोती है? ये तो हम तो आर्टिफिशियल पहने हैं। आर्टिफिशियल पहने? हाँ, ये आर्टिफिशियल। लेकिन ये जो मोती है ना, ये मोती जेन्युइन और ओरिजिनल मोती है। देखिए जा रहा है, दोनों में फर्क दिख रहा है लेकिन साइज तो सेम ही लग रहा है। ये आर्टिफिशियल है इसलिए इतनी गोलाई में है। ये हम 6 महीने में चेक किए थे उस जीव से निकाल करके कि कैसा निकलता है, उसका उदाहरण ये। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो मोती है, आप लोग जानते होंगे कि भाई मोती का खेती नहीं होता है, लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं कि मोती का खेती होता है, वो भी करोड़ों में, और इसका अधिक से अधिक खेती होता कहाँ है, तो इसका खेती समुद्र में होता है। समुद्र में आप जानते होंगे कि सितुआ जिसको कहा जाता है, एक छोटा सा सितु जैसा होता है, जब आप गूगल पे सर्च मारोगे ना सितुआ मोती तो आ जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए, ये जो मोती आपके हाथों में 3 मोती दिख रहा है, जी, ये तीनों मोती का दाम अभी क्या होगा? देखिए इसको तो हम अभी बेचना पसंद ही नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन अगर बेचा जाए तो मिनिमम जितना, देखिए खरीदने वाला पर निर्भर है, सौ बात की एक बात है कि जो जैसे पूंजी वाले हैं वो उस हिसाब से इसको खरीदते हैं, कोई ज्यादा भी दाम दे जाते हैं, कोई कम भी दाम। अनुमान, इस तीनों मोती का क्या प्राइस? देखिए इसका इंटरनेशनल मार्केट में नोटिस किया गया है कि $6 लाख प्रति केजी बिकता है ये। $6 लाख प्रति केजी? प्रति केजी बिकता है इंटरनेशनल मार्केट का यही रेट। और ये जो मोती है, ये हम मेरे हाथों में आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ है और दो इन भाई साहब के हाथों में है, इस मोती का दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी कि हमारे देश से बाहर विदेशों में $6 लाख
$1 का दाम आपको अब भी दिखने को मिल जाएगा 83 रुपया कुछ, है ना? राउंड ऑफ में यही आता है 83 रुपया कुछ $1 का दाम है, जो कि $600,000 में आपको 1 kg इस मोती का दाम देना पड़ेगा। नहीं, 1 kg का $600,000 आपको अप्रोक्स देना पड़ेगा। तो हमारे इंडियन रुपीज में कितना हो जाएगा वो? ये अप्रोक्स 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़ 5 करोड़ में 1 kg मोती मिलेगा? हाँ, बाप रे, ये कीमती है। इसलिए अपने बिहार में बहुत जगह नहीं, अभी तो करीब जैसा मुझे पता लगा है बिहार में 5 से 6 जगह मात्र इस चीज की खेती हो रही है। अच्छा, 5 से 6 जगह। हाँ, अच्छा, इसका आइडिया आया कहाँ से कि हम इस जो करोड़पति बना जा सके जिस खेती से, वही खेती का हम मतलब शुरुआत कर दें? देखिए, हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं और शिक्षित इंसान होने के नाते हम कभी पैसे के पीछे भागे नहीं। अच्छा। और हमारे पेरेंट्स का सदा सहयोग रहा है, हमेशा सपोर्ट रहा है, तो हमारा विचार था कि कुछ अलग चीज किया जाए। अच्छा। जिससे नाम भी हो और काम भी हो, इसलिए हम एक अलग चीज करने आए। और वो जैसे है ना कि हम लोग कहते हैं कि इफ यू नॉट बिकम एन इंजीनियर देन यू फॉर्म अ फैक्ट्री ऑफ इंजीनियर। मायने ये नहीं रखता कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो जिंदगी में आप सफल नहीं हुए। एक शिक्षित व्यक्ति बन के जीना, अच्छे तरीके से जीना ही सफलता हुआ हमारे अनुसार। बाकी दुनिया तो बहुत बात सोचती है, बेरोजगारी भी कहती है दुनिया बहुत है। अच्छा, हम चाहेंगे कि जो मोती का खेती किए हैं किस प्रकार वो निकलता है वो थोड़ा सा दिखाएं। जी बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं अभी आपको। तो भैया अभी दिखाएंगे कि जो छोटे से पोखर में, गंदे पोखर में जो मोती का खेती किया जाता है वो किस प्रकार खेती किया जाता है और किस टाइप का होता है। देखिए, जैसे कि बंसी लगा के मछली नहीं पकड़ा जाता है, उस तरह से ये दिख रहा है। एक अमूमन आप देख रहे होंगे कि ये कवर्ड है, ये पैक है ना। अच्छा। देखिए, अभी इससे पानी निकला ना, ये मुंह खोला था अभी जीव, ठीक है? खोला था मतलब ये जिंदा है? हाँ, ये जीव देखिए। अच्छा, पानी आ रहा है ना, पानी निकल रहा है। हाँ, थोड़ा बुलबुला निकल रहा है। हाँ, ये जिंदा जीव। अच्छा, देखिए पानी निकल रहा है ना। हाँ, हाँ। ये जिंदा जीव है। अच्छा, ठीक है। जो जीव जिंदा रहेगा वो सील्ड जीव रहेगा, मतलब सील्ड रहेगा, पूरा पैक रहेगा, कवर्ड रहता है, वो जिंदा जीव का उदाहरण है। ठीक, इसी में ऑपरेशन करके न्यूक्लियस दिया जाता है। न्यूक्लियस देने के बाद इससे क्या होता है कि नेकर नामक पदार्थ ये छोड़ता है। अच्छा, जिसको कि हम लोग अमूमन भाषा पे कहते हैं ना कि लार छोड़ते हैं हम लोग, तो उसी से ये इस पे लार छोड़ते छोड़ते अंदर में जीप वो न्यूक्लियस पे लार छोड़ते 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 क्या होता है कि एक लंबे ड्यूरेशन में बहुत सारा लेयर बन जाता है। अच्छा। उसी से मोती का निर्माण होता है, वही लेयर जो होता है ना वही मोती होता है। अच्छा, इसमें कितने मोती का मतलब? एक में मिनिमम 2, अगर ये जीव जिंदा रह गया अंत समय तक जब निकालना, एक में 2 निकलेगा? 2 निकलेगा मिनिमम। अच्छा, ये जाली में बांध के रखे हैं, ये जाली में क्यों बांध के रखे? जैसे लग रहा है कि बंसी में बांध। ये बिहारी टेक्निक हम इसलिए अपनाए हुए हैं, आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि बहुत सारा डब्बा भी दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि रस्सी डूब ना जाए। अच्छा। और हम ये इसलिए दिए हुए कि नीचे के लेयर में अगर सट जाएगा तो आर्सेनिक रहता है इसमें नीचे में, जो जहर होता है जो इससे मिलने के बाद इस जीव को समाप्त कर देगा, इसलिए इसको ऊपर 5 फीट पानी में इसको रखना पड़ता है। हम 7 फीट पानी रखे हुए हैं, 2 फीट नीचे छोड़े रहते हैं, 5 फीट में ये ऊंचाई पे ये रहता है। मतलब जमीन में ये जो बीज सटना नहीं चाहिए? देखिए, जमीन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं ना कि आर्सेनिक जो रहता है कि सबसे नीचे वाला लेयर में, पानी के नीचे वाला लेयर में पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको ऊपर रखे हुए हैं कि इसमें सटे ना और खराब ना हो। अच्छा।